तो दोस्तों क्या होगा जब इंडिया के 1960 में बने हथौड़े और चाइना के 2020 में बने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो ये है चाइना का हथौड़ा, अब हम इसको हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। वैसे सच बताऊं तो मुझे इससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, तो अब इसको दबाकर देखते हैं। तो यार ये तो सिर्फ 50 टन का भार सहकर ही चटनी बन गया। तो अब बारी है हमारे प्यारे देश भारत की, लेकिन उससे पहले इस तिरंगे के लिए एक लाइक तो बनता है ना। और हे भोलेनाथ, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे उसकी विश जरूर पूरी करना, मेरी आपसे यह विनती है। तो ये है इंडिया का हथौड़ा और अब हम इसे दबाते हैं और देखते हैं कि कितना भार सहता है। तो पहले 50 टन में तो कुछ नहीं हुआ, अब हम इस पर 100 टन का भार डालते हैं। तो यार इंडिया के हथौड़े को तो हाइड्रोलिक प्रेस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, 100 टन का भार भी ये आसानी से सह गया।